हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की रात की प्रार्थना के लिए। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की रात की प्रार्थना के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर नाइट प्रेयर में मेरे प्रभु जी देर से, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के पास आए हैं। मेरे प्रभु जी हर भाई बहन का नियंत्रण लेना और पिता परमेश्वर आज की रात की प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपके लोगों को ब्लेस करना। प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर मदद करना आपके सामर्थ्य से चलने के लिए, हमें मदद करना आपके इच्छा अनुसार चलने के लिए, हमें मदद करना मेरे प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह से चलने के लिए। प्रभु जी हमने जाने अनजाने जो पिता परमेश्वर गलतियाँ की होंगी उनके लिए प्रभु जी हम माफ़ी मांगते हैं और पिता परमेश्वर आपसे अनुग्रह मांगते हैं। हमें पिता परमेश्वर चलाइए आपके इच्छा अनुसार, हमें चलाइए प्रभु जी आपके वचन अनुसार, हमें चलाइए पिता परमेश्वर आपके आज्ञा अनुसार पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी जब कोई आपकी आज्ञा को मानता है तो पिता परमेश्वर सच में वो आपकी इच्छा को मेरे प्रभु जी पूरा करता है, और जो आपकी इच्छा को पूरा करता है सच में प्रभु जी आप उसके ऊपर आपके अनुग्रह को खोलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की भी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रभु जी इन भाई बहनों की जिंदगी में जो कुछ बंधन है मेरे प्रभु जी, किसी के पूर्वजों से आया हुआ पिता परमेश्वर बंधन होंगे, किसी के पिता परमेश्वर पाप के कारण आए हुए बंधन होंगे मेरे प्रभु जी, प्रभु जी उन सारे बंधनों को मेरे प्रभु जी तोड़ दीजिए मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से सारा श्रापों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन भाई बहनों के जिंदगी में आपकी पिता परमेश्वर सामर्थ को हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर आपके लोग मेरे प्रभु जी अद्भुत तरीके से आगे बढ़ने वाले लोग बने मेरे प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना मैं आपके चरणों के पास करता हूँ। पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास जो प्रार्थना करता है वो पिता परमेश्वर कभी निराश नहीं हो सकता, वो कभी पीछे नहीं जा सकता, और अगर उसकी ज़िंदगी में अगर रुकावट भी आई, उसकी ज़िंदगी में अगर तकलीफ भी आई तो भी पिता परमेश्वर आप उसे स्थिर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और सभी भाई बहनों को आपने ब्लेस किया है। आपके सामर्थ्य हाथ से आपने इन्हें छुआ है, आपके सामर्थ्य हाथ से मेरे प्रभु जी इन्हें आगे बढ़ने के लिए आपने अनुग्रह दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इसी तरह से प्रेयर में बढ़ने के लिए सहायता करना, इसी तरह से प्रेयर में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र करना है, प्रार्थना में हमारे जीवन को हमें बिताना है मेरे प्रभु जी, हमें सहायता करना। और प्रभु जी निराशा भी आई, तकलीफ भी आई, तो उस तकलीफ का उस निराशा का सामना हम डट कर पाए मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे अंदर भय की नहीं लेकिन आपने सामर्थ्य की आत्मा दी है। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत दया के लिए पिता, धन्यवाद करता हूँ। आपने आज की रात की प्रार्थना को सुना और सभी भाई बहनों को ब्लेस किए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी खराब है वो पिता परमेश्वर अच्छी होने पाए यीशु मसीह के नाम से ऐसे प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान में तुझे आज्ञा देता हूँ इन भाई बहनों की जिंदगी में जो भी तूने बसेरा करके रखा हुआ है यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर को, इनकी बॉडी को, इनके घर को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और सभी भाई बहनों को ब्लेस किए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।